महाराष्ट्र सरकार ने मिनी लॉकडाउन का ऐलान किया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ सख्ती भी बढ़ी। महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन लागू किया गया। देश में चली कोरोना वायरस की नई लहर ज्यादा खतरनाक और बड़ी है। सोमवार को भारत में 1,00,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच अब राज्य सरकारों को फिर से लॉकडाउन की राह पर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। वहीं व्यापारियों की समस्या बढ़ गई है, जिसको लेकर कांदिवली पूर्व में बीजेपी आमदार अतुल भारखलकर ने व्यापारियों के साथ रोड पर उतरकर मिनी लॉकडाउन का विरोध किया। सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन रेट और केसेस जिस महाराष्ट्र में है वहाँ सबसे कम वैक्सीनेशन हो रहा है, और हमेशा की तरह इसके लिए भी केंद्र सरकार को जिम्मेदार करने का प्रयास दुर्दैव से हो रहा है। मेरी उद्धव जी से करबद्ध प्रार्थना है, अभी तो राजनीति मत करो, अभी तो लोगों को बचाओ, वैक्सीनेशन बढ़ाओ। 4.5% वैक्सीनेशन है महाराष्ट्र, बाकी के स्टेट में 9% 10%, और वैक्सीन खराब होने का प्रमाण महाराष्ट्र में 6.5%, और इसके लिए ये सुधारने का प्रयास करो, राजनीति मत। प्रॉब्लम है प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल माफ करने में प्रॉब्लम नहीं है, पानी का बिल माफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक एक दुकानदार को 10-15 हज़ार रुपया दे दो एक महीने का। उनके यहाँ काम करने वाले लोग हैं, उनका क्या करेंगे? और इसके लिए ये सारासर गलत निर्णय है। लॉकडाउन के बारे में कुछ बताया नहीं है, और यहाँ के लॉकडाउन के खिलाफ मंत्रिमंडल की सदस्य यशोमती ठाकुर ने कल ही मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि अमरावती का लॉकडाउन हटा दे, और उन्होंने लिखा है कि लॉकडाउन का फायदा नहीं हो रहा है। और सैटरडे संडे के लॉकडाउन के खिलाफ हम सब व्यापारी भाई नहीं है, हम समाज के पक्ष में है, हम भी कोरोना जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना हमको नहीं होने वाला है, लेकिन रोजी रोटी भी रहनी चाहिए, और बाकी सब चालू है और सिर्फ दुकान बंद है, ये कौन सा न्याय है? और दुकान बंद करना है तो हमारा प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ करो, हमारा बिजली का ये महीने का बिल माफ़ करो, हमारा पानी का बिल इस महीने का माफ़ करो, और हमारे जो कर्मचारी है उनको मदद के लिए हर दुकानदार को 15 से 20 हज़ार रुपया स्टेट गवर्नमेंट से दे दो। अतुल जी, लेकिन देखा जा रहा है कि व्यापारी से भी उन लोग आया है, दुकान बंद रखे हैं, ये सारासार गलत और अन्यायकारक का है, और इसके खिलाफ हमारा जो भावना है वो सरकार तक पहुंचाने के लिए हमने यहाँ निदर्शन किया, और यहाँ से हम शांतिपूर्ण ढंग से संतानगढ़ पुलिस स्टेशन जाएंगे, और हमारा निवेदन जो है वो DCP या सीनियर इंस्पेक्टर के हाथ में हम चौकशीसाठी बोलवलेला आहे। कसं बघताय, कारण की कुठेतरी ENI चौकशीला बोलवेल म्हणून हा सगळा आरोप केला असं देखील बोललं जातं। नाही, मग तसं असेल तर ENI चौकशीला का बोलवलं? आणि त्याच्यामुळे परमवीर सिंगांना मी जनतेच्या वतीने एवढीच विनंती करू शकतो की त्यांनी काय सत्य आहे ते सांगावं, सत्य ENI समोर सांगावं, वाझेला परत आणण्याचा निर्णय कोणी घेतला हे सांगावं, हप्ता कोणाकडे जात होता हे सांगावं। आणि ENI-ला मी एवढंच सांगेन की या जे कोणी दोषी असतील, मग त्यात परमवीर सिंग असतील, अजून कोणी राजकीय व्यक्ती असतील, या सगळ्यांवर कायद्यातल्या कठोर तरतुदीनुसार कारवाई करा। मुळात सरकारने या संदर्भात लोकांची आणि विशेषतः व्यापाऱ्यांची फसवणूक केली। आधी सांगितलं शनिवार आणि रविवार लॉकडाऊन असेल, पण पूर्ण 30 एप्रिलपर्यंत हा लॉकडाऊन ठेवला गेला। रिक्षा चालू, ट्रक चालू, ट्रान्सपोर्ट चालू, पण दुकानं बंद। आणि ही दुकानं बंद असताना त्यांना 1 रुपयाची आर्थिक मदत नाही, त्यांचा प्रॉपर्टी टॅक्स माफ नाही, त्यांचं पाण्याचं बिल माफ नाही, त्यांचं इलेक्ट्रिसिटीचं बिल माफ नाही, आणि दुकान बंद, रोजगार नाही। आणि आत्ता कुठे सावरत होते लोक, आणि लॉकडाऊन हा त्याच्यावरचा उपाय नव्हे। आज तर त्यांच्याच मंत्रिमंडळातल्या महिला मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून सांगितलं आहे की अमरावतीमधला लॉकडाऊन हटवा, आणि त्याच्यामुळे सर्व व्यापारी माझ्या मतदारसंघातले आज या ठिकाणी जमलेत। आम्ही शांततापूर्ण पद्धतीने निदर्शनं केलेली आहेत। आम्ही आता पोलीस स्टेशनला जाऊन पोलिसांना निवेदन देऊ, आणि आम्ही त्यांना ही विनंती करू की आमच्या विभागातील दुकानं
ही आम्ही उघडणार आहोत, त्याला तुम्ही सहकार्य करा, आमच्या भावना या तुम्ही सरकारच्या कानावर घाला। आज रात्रीपर्यंत निर्णय आला नाही तर उद्या काय करायचं या संदर्भातला निर्णय सर्व व्यापारी असोसिएशन्स आणि भारतीय जनता पार्टीचे जनप्रतिनिधी मिळून घेतील आणि त्याप्रमाणे आम्ही पुढचं पाऊल उचलू। एकीकडे ज्या पद्धतीने महापौर सांगतात की 3 दिवसाचा फक्त साठा राहिलेला आहे लसीकरणाचा, केंद्राने साठा पुरवणं द्यावा नाही, खरं तर सांगू का, केंद्राने आता मुख्यमंत्रीच पाठवला पाहिजे। तुम्ही आता राजकीय प्रश्न विचारल्या म्हणून मी राजकीय उत्तर देतो, आणि त्यामुळे आता खरं त्यांनी मागणी अशी केली पाहिजे की केंद्राने मुख्यमंत्री पाठवावा, आणि त्यामुळे तद्दन खोटं। लसीकरणाचा वेग आज टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये बातमी आहे, सर्वात कमी हा महाराष्ट्रामध्ये, दुर्दैवाने। आणि त्याच्यामुळे त्यांना म्हणा लॉकडाऊन उठवा, अर्थव्यवस्थेला गती द्या, दादागिरीची आणि खोटेपणाची भाषा बंद करा। गुजरात कोर्टाने जे आहे ते लॉकडाऊन करण्यासाठी सांगितलेलं आहे, तर महाराष्ट्र सरकारने जर असा निर्णय घेतला तर राऊत म्हणतात काही चुकलं नाही। नाही, गुजरात कोर्टाने असं काही सांगितलेलं नाही आहे, कोणीतरी गुजरातच्या हायकोर्टात पीआयएल दाखल केलेली आहे, त्यामुळे गुजरातमध्ये सुद्धा तुम्ही ह्या संदर्भात काय करतायत काय नाही करतायत या संदर्भातली विचारणा केलेली आहे। प्रत्येक राज्यातली परिस्थिती वेगळी आहे आणि त्याच्यामुळे गुजरातचा इथे संबंध जोडायचं काही कारण। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।